अफसोस हो रहा होगा ना खुद को समझदार समझने पर? शायद एक और अफसोस भी होता है। बोलना भी सीख गए हैं। चले बताएं किस चीज का अफसोस? तुमने साइन करवा लिया तो किसी मकबरे ने आपको बता दिया? खुद सुनेंगे मैं। गुड, ये तो अच्छी बात है। तो बताएं कैसा लग रहा है मुझे बॉस की कुर्सी में देख के, ये जान के कि ये पूरा घर, आपका पूरा कारोबार मेरे नाम पे, और कि मैं जब चाहूं आपको इस घर से धक्के मार के निकाल सकती हूँ। सब छीनूंगा तुमसे। अच्छा, कैसे? दवाई आप नहीं खाते, थेरेपी आप नहीं करवाते, कुछ भी वापस लेने के लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, वो आप करेंगे नहीं। तुम ये ठीक नहीं करी साहब, आप पे ना ये लव्स जचते नहीं है। मुझ पे जुर्म करते हुए कभी सोचा था कि मुझ पे क्या गुजरती है, मैं कितना दुख सह रही हूं? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचूं? और वैसे भी अभी तो आपका कारमा शुरू हुआ है, हौसला करके बर्दाश्त करना। वो कहते हैं ना कि जब मजलूम जालिम बनता है तो जालिम से 100 गुना जुर्म करना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि मजलूम की बदुआ और अकल दोनों से बच के रहना चाहिए। परवीन, साहब को पकड़ो पकड़ो, दवाई खाने के मूड में नहीं है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।